राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब महज 3.5 महीने का वक्त बचा है, लिहाजा टिकटों के लिए दावेदारों ने जयपुर से लेकर दिल्ली तक भागदौड़ तेज कर दी है। टिकट के दावेदारों में इस बार कांग्रेस के एक दर्जन पूर्व सांसद भी शामिल हैं, जो लोकसभा नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरने के लिए इच्छुक हैं। अब इसे मोदी की लहर का डर कहे या कांग्रेस की वापसी होने पर मंत्री बनने की चाहत या फिर केंद्र की सियासत से मोहभंग, कुछ भी कहें, लेकिन इतना सच है कि कई पूर्व सांसद इस बार लोकसभा के मैदान में उतरने के इच्छुक नहीं हैं। सांसद के बजाय विधायक के चुनाव को तवज्जो दे रहे हैं। ताज्जुब की बात है कि करीब एक दर्जन पूर्व सांसदों ने विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसी दौड़ में डॉक्टर सीपी जोशी, लालचंद कटारिया, महेश जोशी और नमो नारायण मीणा जैसे दिग्गज नेताओं के नाम भी शामिल हैं। टिकटों के लिए दावेदारों ने जयपुर से लेकर दिल्ली तक भागदौड़ तेज कर दी है। जो पूर्व सांसद विधायक का चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, उसमें डॉक्टर सीपी जोशी की नाथद्वारा से विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री लालचंद कटारिया छोटवाड़ा और आमेर से चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं। खंडेला से महादेव सिंह खंडेला, देवली उनियारा से नमो नारायण मीणा, सलूम्बर से रघुवीर मीणा, बायतू से हरीश चौधरी, हवा महल या फिर सिविल लाइन से महेश जोशी, जैतारण से गोपाल सिंह इडवा, लाडपुरा या पीपलदा से इजयराज सिंह, पीलीबंगा से भरतराम मेघवाल, पीलीबंगा से ही शंकर पन्नू और बसेड़ी से खिलाड़ी बैरवा विधानसभा चुनाव लड़ने के मूड में है। अब सवाल उठता है कि ये पूर्व सांसद विधायक बनने के क्यों इच्छुक है, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। दरअसल इन नेताओं को लग रहा है कि मोदी लहर के चलते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सत्ता वापसी में राह कठिन है, क्योंकि पिछली बार राजस्थान में मोदी लहर के चलते लोकसभा की एक भी सीट कांग्रेस के खाते में नहीं गई थी। लिहाजा मोदी का हवा अब भी इनके जहन में है। ये नेता मानकर चल रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस का राज आ रहा है, विधायक बनने पर राजस्थान में मंत्री बनना तय है। हालांकि टिकट का फैसला कांग्रेस आला कमान ही करेगा। राहुल जी यहां पर शुरुआत कर गए थे और ऐतिहासिक रोड शो हुआ शहर में जयपुर में, जो आज तक शायद कभी नहीं हुआ, उससे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं, प्रेरित हैं। और उसके बाद तुरंत हमने अपना प्रोग्राम बनाया और पूरे प्रदेश में हर संभाग के एक जिले में हम लोग एक बहुत बड़ी रैली करेंगे। और इस संकल्प रैली से मैं समझता हूँ आने वाली जो चुनाव है उसमें जो हमारे पक्ष में माहौल बना हुआ है वो और पक्ष में बनेगा। मौजूदा सांसद रघु शर्मा भी विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। नागौर की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा की तो कहानी ही अलग है। ज्योति ने कोई भी चुनाव नहीं लड़ने और सक्रिय सियासत से संन्यास लेने तक के संकेत दे दिए हैं। भंवर जितेंद्र सिंह और गिरिजा व्यास के भी विधायक चुनाव लड़ने के संकेत मिल रहे हैं। बहरहाल कारण कुछ भी हो, लेकिन पूर्व सांसदों ने टिकट के लिए पूरी तरह से ताल ठोक दी है, लेकिन इनकी चाहत तो पूरी होना हाईकमान के हाथ में है। दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।